स्वागत है आप सभी का वाईफाई स्टडी स्टूडियोस पर, विच इज अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। और वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। जितने बच्चे देख रहे हैं सभी एक बार इस सेशन को शेयर कर देना और लाइक कर देना, क्योंकि ये जो सेशन है आप सभी के लिए कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे समझते हैं कैसे? पहली बात तो वाईफाई स्टडी स्टूडियोस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज मेरे सारे सेशन जो होते हैं वाईफाई स्टडी स्टूडियोस चैनल पर ही होते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे सभी वीडियोस के लिए वाईफाई स्टडी के सभी चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? सुबह 6 बजे उठ के हम कुछ पढ़ने वाले हैं और वो उसका क्या फायदा होगा हमें। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ये हमारा सेशन अब सुबह 6 बजे डेली होने वाला है। अब इसका रीजन क्या है सुबह 6 बजे होने का? तो यार कुछ चीजें होती है ना जो माइंड में ना बिल्कुल फ्रेश हमारे माइंड में आनी चाहिए, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल लू, इंडिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, कोरोना वायरस से रिलेटेड हो रही हैं, इंडिया और चाइना से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। समटाइम वी हैव हर्ड द न्यूज ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। ये सब चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एक स्टूडेंट के लिए कि वो उसको डीप एनालाइज करे, डीपली पढ़े। तो आज हम एक दोबारा टॉपिक करने वाले हैं, सुबह 6 बजे ये डेली टॉपिक होता है, तो आप इसको लाइव देख सकते हैं इस सेशन को। तो इस टॉपिक में हम आज क्या करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है और जिसका इशू से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज का टॉपिक जो है इंडिया और चाइना के डिस्प्यूट के ऊपर है। यार इंडिया और चाइना का डिस्प्यूट क्या है? ये ऐसा नहीं कि आज हुआ ये डिस्प्यूट या कल 20 इंडिया के हो गए, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा करके चाइना वालों ने 42 उनकी तरफ से गए हैं तो ये बता दिया, तो इससे डिस्प्यूट हो गया। ये इंडिया का डिस्प्यूट स्टार्टिंग से चला आ रहा है, एलएसी के टाइम से चला आ रहा है, और डोकलाम में इसका इशू बढ़ा। इससे पहले जो 1962 की जो वॉर हुई थी उसमें आपको पता है कि इंडिया वॉज डिफीटेड, ठीक है, लेकिन इंडिया कम्पीटेड, ठीक है। मैं कह सकता हूं इंडिया ने मुकाबला अच्छा किया, लेकिन भारत उस समय 1962 में एक पोजीशन में नहीं था, वॉर की पोजीशन में नहीं था, इसलिए भारत हारा भी, ठीक है, वी एक्सेप्ट दिस। लेकिन इंडिया और चाइना के बीच में अब क्या रिलेशन है, अब क्या इशू है, इंडिया की डिफेंस फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग है, चाइना कैसे कितनी फोर्सेस कंप्लीट है, तो इन सब चीजों पे हम आज डिस्कस करेंगे। देखिएगा, पहले एक बहुत क्लियर कट मैप आपको दिखाऊंगा और इंडिया का क्या इशू है चाइना के साथ उसको भी देख लेंगे। देखिए, पहले जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, पहला डिस्प्यूट यहां पे है यार, पहला डिस्प्यूट यहां पे है, अक्षय चिन्ह जो है एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल, ठीक है, कंट्रोल जो है यहां पर, ये डिस्प्यूट है। आपको मैं बहुत बार बता चुका हूं इस डिस्प्यूट के बारे में और बस अभी भी एक बार डिस्प्यूट अगर बताओ तो ये डी नॉन डिमार्केटेड लाइंस है, जिसको क्या बोलते हैं हम, ये जो लोकेशन है ना यहाँ पे कुछ डिसाइडेड नहीं है। अगर मैं पाकिस्तान और इंडिया की तरफ बोलू ना तो वहां पे सब डिसाइडेड है कि भैया लाइन ऑफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल की लाइन है और उसी में अपना सब कुछ सेट है, हमें पता है कि भैया रेड क्लिफ का ये पोर्शन है, ठीक है। लेकिन इस तरफ ना सब कुछ क्लियरली डिफाइन नहीं है, इसी वजह से इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूट होते हैं। दूसरा लोकेशन यहाँ पे हुआ था, ढोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, ठीक है, दूसरा लोकेशन यहाँ पे जहां पे ढोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था, बहुत खतरनाक हुआ था और इंडिया और चाइना ने डिप्लोमेसी की थी जिसकी वजह से वो बच गए। तीसरी लोकेशन यहाँ पे है जहां पे बहुत ज्यादा इशू रहता है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को। अब मैं आपको इसमें रिलेट करके बताता हूं, चाइना कभी भी अरुणाचल प्रदेश के लोगों को वीजा नहीं प्रोवाइड कराता, ठीक है। ओलंपिक्स में अरुणाचल प्रदेश से एक व्यक्ति थे जो कि पार्टिसिपेट करने वाले थे, चाइना में जब हुआ तो चाइना ने उसे वीजा प्रोवाइड नहीं किया, कहा कि भैया आप तो हमारे देश के नागरिक हो तो आपको क्यों वीजा प्रोवाइड कराएं, ठीक है। इतना कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया अरुणाचल प्रदेश के बहुत से हिस्से को अपना हिस्सा मानता है और भारत का तो ये हिस्सा है क्योंकि भैया भारत तो इसे अपने एरिया में लेता है। देखिए, अब मैं आपके सामने कुछ इमेजेस ला रहा हूं, दीज आर द प्रिंट्स ऑफ लास्ट 45 ईयर्स। जैसे सबसे पहला है ये जो दिखाता है, ये दिखाता है इंडिया और चाइना के बीच में जब 1962 में वॉर हुई थी, इंडिया हारा था यार। कारण इसका ये था, इंडिया उस समय कंपटीशन के, मतलब कंपटीशन होता ना यार, एक इक्विवेलेंट कंपटीशन हो तो बोले भी कोई एक हारा कोई जीता, इंडिया वॉज नॉट इन दैट पोजिशन, तो भैया हारा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद ये ढोकलाम इशू का ये एक इमेज है, ठीक है। ढोकलाम इशू में डिप्लोमेसी हुई, बहुत अच्छे लेवल पे डिप्लोमेसी हुई थी, होप कि मतलब आज भी जो अभी भी जो इशू आया कल परसों में उसमें भी डिप्लोमेसी हो, वॉर इज नॉट एन इशू। ये थर्ड पॉइंट है, ये जो दिखा रहा है कि नॉट डिसाइडेड येट, अभी जो कल इंसिडेंट जो हुआ था उसका अभी कोई डिसीजन नहीं आया कि इंडिया क्या करने वाला है, चाइना क्या करने वाला है, अभी तो बस रिप्रेजेंट किया है कि ये इशू हो चुका है और इसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं और बोला जा रहा है कि चाइनीज
चाइना की तरफ से भी जवान जो है शहीद हुए। तो ये तीन इंसिडेंट है, पहला 1962 जब इंडिया कुछ नहीं था, रियलिटी में कुछ नहीं था, ये डिप्लोमेसी का टाइम, ठीक है, अभी डोकलाम इशू जो हुआ था, इंडिया बहुत कुछ है, और नाउ, ठीक है, यस्टरडे जो इवेंट हुआ, इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, ठीक है, डिफेंस के हम एलोकेशंस देखेंगे, क्या क्या डिफेंस में इंडिया के पास पावर है, क्या क्या चाइना के पास पावर है, इंडिया डिफीट कर सकता है चाइना को कि नहीं, तो ये सब चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं, देखते हैं एक बार लोकेशन, देखते हैं इंडिया और चाइना की लोकेशन क्या है। यार देखो, चाइना की लोकेशन पावरफुल है, नो डाउट चाइना की लोकेशन पावरफुल है। मैं आपको सिंपल सी बात बताऊं, भारत के जो देश है ना, जो मित्र देश है, वो ये है यूएसए। इस टाइम तो भाई यूएसए थोड़ा सा उधर चला गया, अफ्रीका है, और आगे जो आके यूएसए आएगा, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। यूरोपियन कंट्रीज भी इंडिया की तरफ ही है, ठीक है, और भारत का एक और देश है रशिया, जो दोस्त है। लेकिन यार आप इस चीज को ऑब्जर्व कर सकते हो, इंडिया के जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज है वो सभी इंडिया से बहुत दूर है, एक उधर जा रहा है, एक इधर है, ठीक है। अगर वॉर होती है तो जो एक हेल्प प्रोवाइड की जाती है तो उसमें इंडिया को लैग हो सकता है बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन चाइना की जितनी भी फ्रेंडली कंट्रीज है, चाइना की फ्रेंडली कंट्री पाकिस्तान है, हमारे इंडिया के इस तरफ पड़ती है, ठीक है, खतरा पूरा है इधर, ठीक है। चाइना ने श्रीलंका पे पूरा कब्जा किया हुआ है, चाइना ने श्रीलंका पे इतना कब्जा किया हुआ है, चाइना ने श्रीलंका में जो रोड है ना, सारे चाइना की तरफ से बने हैं। श्रीलंका में एक भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं होगा जो चाइना से अलग होगा, श्रीलंका ने यहाँ पे पोर्ट बनाया, ठीक है, समझ रहे हो। इधर की जो कंट्रीज है वो सभी चाइना के उसमें है, नेपाल और भूटान तक पे इन्फ्लुएंस है चाइना का हद से ज्यादा। तो इंडिया की जो जो लोकेशन है ना यार, ये इंडिया को ना एक लूज फॉर्मेट पे लेके आती है, ठीक है, हारने के फॉर्मेट पे लेके आती है। लेकिन इंडिया के पास एक पॉजिटिव पॉइंट है, दिस इंडियन ओशियन इज अ पॉजिटिव पॉइंट। इंडिया अपनी नेवी पावर को स्ट्रॉन्ग करके इस एरिया को अपना सेफ कर सकती है, बस डिफेंड करना है यहां पे, ठीक है, ये जो डिस्प्यूटेड एरिया है यहां पे डिफेंड करना है। लेट्स सी कि इंडिया और चाइना के बीच में अगर मैं कंपटीशन करूं डिफेंस इक्विपमेंट्स में, डिफेंस पावर में, जीडीपी में, आर्टिलरीज में, इन सब में अगर मैं एक तरीके से कंपैरिजन करता हूं तो कौन जीतता है, ठीक है, क्लियर कट आइडिया दूंगा आपको, क्लियर कट आइडिया, नो इशू कि भैया चाइना जीत रहा है या इंडिया जीत रहा है, ठीक है, रियलिटी हमारे सामने होनी चाहिए, ठीक है, रियलिटी हमारे सामने होनी चाहिए, ठीक है, कौन जीत रहा है। पहला देखिएगा, पहला तो मैं एक सिंपल बता दूं भैया, चाइना है, कैपिटल बीजिंग है, इतनी पॉपुलेशन है, इंडिया से ज्यादा है, ठीक है, एरिया भी डेफिनेटली इंडिया से ज्यादा है, न्यू दिल्ली पॉपुलेशन कम और एरिया भी कम, ठीक है, तो उसमें कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, चाइना की पॉपुलेशन ज्यादा है। देखिए आप इधर क्लियर कट फोकस कर सकते हो मिलिट्री एक्सपेंडिचर, चाइना कितना खर्चता है अपनी मिलिट्री पावर पे और इंडिया कितना खर्चता है, $2 to $8 billion और इंडिया यहां पे $55 billion, समझ सकते हो कितना चाइना क्या है मिलिट्री एक्सपेंडिचर कर रहा है। भारत पांचवें नंबर पे आता है मिलिट्री एक्सपेंडिचर की बात करें तो, सबसे ज्यादा यूएसए खर्चता है, ठीक है, उसके बाद इजराइल जैसी कंट्री और चाइना सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, सेकंड नंबर पे चाइना आता है, जो ऐसे देशों में से है जो अपनी मिलिट्री एक्सपेंडिचर को सबसे हाई प्रायोरिटी देता है, इंडिया पांचवें नंबर पे देता है। कंपटीशन अगर मैं बात करूं तो 37 जो जीडीपी का इतना है और इतना है, दिमाग करें कि वैसे इंडिया का जीडीपी कम है तो उस हिसाब से कंपैरिजन करें तो भैया विन सिचुएशन में क्या है यहाँ पे क्या आ रहा भाई, चाइना आ रहा है, ठीक है, चाइना इज एक्चुअली लीडिंग इन एक्सपेंडिचर, और भैया जो इंडिया है ये हार रहा है, ठीक है, सिर्फ 9% है, यहाँ पे 37% है, आप समझ सकते हो कॉम्पिटिशन में चाइना जीता, ठीक है, नॉट टू वरी। देखते हैं लैंड फोर्स, लैंड फोर्स कहने का मतलब है इंडिया के पास अपने आर्टिलरीज कितनी है, अपनी आर्टिलरीज कितनी है, अपने टैंक्स कितने हैं, अपने फाइटिंग व्हीकल्स कितने हैं। यार इधर देखो 7760, इधर 4426, नो इशू यार, 7000 और 4000 में इतना कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं एक्सपेंड किसकी तरफ हो रहा है, चाइना की तरफ ज्यादा है, ठीक है, उसके अलावा कंपेरिजन में इधर आर्म फाइटिंग व्हीकल्स बराबर है, ऑलमोस्ट बराबर है, ऑलमोस्ट टोटल आर्टिलरी कहूं तो मैं डेफिनेटली यार इंडिया की ज्यादा है, इंडिया की सॉरी कम है और चाइना की ज्यादा है, डेफिनेटली ज्यादा है, ठीक है, दिमाग में रखे। रॉकेट आर्टिलरी की बात करूं, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की बात करूं तो चाइना की डेफिनेटली बहुत ज्यादा और इंडिया की यू कैन सी, तो डेफिनेटली यहां पे भी कौन जीता, चाइना जीता और इंडिया जीता। एयरफोर्स स्ट्रेंथ की बात करूं, एयरफोर्स स्ट्रेंथ की बात करूं तो यार इस चीज को भी समझना, एयरफोर्स की स्ट्रेंथ में
डेफिनेटली दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है, दोनों का कंपैरिजन किया जा सकता है। यहाँ पे टोटल एयरक्राफ्ट 4,182 है और इधर 2,216 है, ठीक है, दिमाग में रखेगा। लेकिन हम यहाँ पे ना एक दूसरे को कंपेयर कर सकते हैं, बिकॉज हमारे जो एयरक्राफ्ट हैं वो कम्पीट कर सकते हैं, हमारे पास तेजस है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे एयरक्राफ्ट हैं जो कम्पीट कर सकते हैं, कुछ ऐसे भी हैं ओल्ड फॉर्मेट के हैं, न्यू जनरेशन का अगर चाइना यहां पर न्यू जनरेशन एयरक्राफ्ट को अपडेट करता है तब इंडिया दोबारा हारेगा, ठीक है। लेकिन अभी तक के कंपटीशन में तेजस का कंपटीशन है चाइना के साथ, तो भैया इस केस में मैं कहूंगा एयरफोर्स की कंडीशन में चाइना और इंडिया ऑल आर एट इक्विवेलेंट लेवल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस आंकड़ों पे मत जाइए, आंकड़ों पे मत जाइए, कंपटीशन इस चीज पे क्यों होता है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके की है, ठीक है। तो इंडिया हैज द टेक्नोलॉजी ऑफ तेजस एंड दैट विल रिलाय, ठीक है, रिलायबल है वो चीज। तो एयरफोर्स की कंडीशन में दोनों बराबर आते हैं। अभी तक आप ऑब्जर्व कर सकते हो चाइना किसी में भी पीछे नहीं हुआ, चाइना कहीं पे भी पीछे नहीं हुआ। अगर आप बोलो कि भैया हमारी सबसे बड़ी आर्मी है, तो इस चीज को भी दिमाग में रखना, एक्टिव आर्मी होने और आर्मी होने में बहुत फर्क होता है। और मैं एक्टिव ये नहीं कह रहा कि इंडियन आर्मी एक्टिव नहीं है, एक्टिव इन द सेंस इन द रिक्रूटमेंट, इन द रिक्रूटमेंट। और चाइना की पॉपुलेशन इतनी बड़ी है कि वो चाइना इतनी, हमारे इंडिया ने क्या किया, हमारे भारत देश ने क्या, प्यारे भारत देश ने क्या किया है, एक चीज अच्छी करी है कि सभी लोगों को आर्मी में ज्वाइन करने का एक मौका दिया, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में हुआ है ये बदलाव, बहुत अच्छा है। ये चाइना बहुत पहले कर चुका है, ये चाइना बहुत पहले कर चुका है, दिमाग में रखिएगा। लेकिन भारत ने बदलाव अब किया है, नेवी क्लियर कट इंडिया हार रहा है, क्लियर कट इंडिया हार रहा है, दिमाग में रखिएगा। नेवी पे 100% स्ट्रेंथ है चाइना की, इंडिया के सिर्फ 27% है, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। इंडिया के सिर्फ 27% है, कैसे यार समझ सकते हैं, टोटल नेवल 780, यहाँ पे 214, ठीक है, एयरक्राफ्ट दोनों के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिस्ट्रॉयर 36, 11, ठीक है, और बाकी सब चीजें सबमरीन 76, ह्यूज लॉस, ह्यूज कंपटीशन 15, ठीक है, समझ रहे हो। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि चाइना ने श्रीलंका में अपने पोर्ट्स बना रखे हैं, आसपास की सभी कंट्री को चाइना ने घेरा हुआ है, ठीक है। सबमरीन चाइना के पास स्ट्रोंग है, चाइना अटैक हर जगह से करता है, चाइना एक ऐसा देश है जो हर जगह से अटैक करता है। चाइना अगले 25 सालों के बारे में सोच के रखता है, और हम अभी इसी साल का देखते हैं कि कंपैरिजन करने में, समझ रहे हो इस चीज को। तो इन सब चीजों को देखो यार, लेकिन ना कंपैरिजन करने के साथ ना इंडिया ने बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत कुछ अच्छा किया इंडिया ने। इंडिया ने पहले जब 1962 का वॉर हुआ था ना, उस टाइम क्या था, इंडियन आर्मी अलग काम कर रही थी, इंडियन एयरफोर्सेस अलग काम कर रही थी, नेवी का कोई रोल ही नहीं था उस टाइम, ठीक है। और इसकी वजह से कोई तालमेल नहीं था, जिसकी वजह से इंडिया को बहुत बड़ी शिकस्त हाथ लगी थी उस समय। इंडिया ने इस बारी क्या किया है, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ क्या है, डायरेक्टली बोले तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन, ठीक है, एयरफोर्स तीनों को इंटीग्रेट किया है, और उसकी पूरी अथॉरिटी किसके पास आ गई, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो कि सबसे पहले बने थे जनरल बिपिन रावत। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव, दिस इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टेकन बाय फोर्सेस, ठीक है, दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है, पहला ये। दूसरा, इंडिया और चाइना के बीच में जितने भी बॉर्डर्स है ना, सभी में आईटीबीपी है, ठीक है, आप सभी जानते हैं आईटीबीपी के बारे में, ठीक है, ये आईटीबीपी का सिंबल है, दिमाग में रखिए, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स, ठीक है। हमारी हमें क्या करना है, इस समय आईटीबीपी को भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यार ऑब्वियसली इंडियन आर्मी हर जगह सामने फोरफ्रंट नहीं करती है, बॉर्डर फोर्सेस जो होती है ना, बॉर्डर फोर्सेस वो स्ट्रेंथ देती है, जैसे बीएसएफ स्ट्रेंथ देती है पाकिस्तान में, ऐसे ही भैया आईटीबीपी को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथफुल बनाना पड़ेगा अगर इंडिया को, ठीक है, सेफ रखना है। तो यार सारे कंपैरिजन अगर मैं करूं, सारे कंपैरिजन अगर मैं करूं, तो यार आप सभी जानते हैं, ठीक है, कंपटीशन अभी इक्विवेलेंट नहीं है, ठीक है, कुछ भी कह लो इक्विवेलेंट नहीं है, हर चीज में इंडिया इज लैकिंग, ठीक है, इंडिया इज लैकिंग, इंडिया इज नॉट लैकिंग इन इंटेंशन। भैया इंटेंशन की बात करो, हमारे दृढ़ निश्चय की बात करो, तो भैया भारत सबसे आगे है, भारत के लोग अभी भी इतने बड़े देशभक्त है, ठीक है, हम देशभक्त इतने हैं कि अगर कभी भी जरूरत पड़ी तो हम खुद स्टार्ट हो जाएंगे इंडिया की तरफ से कम्पीट करने में, ठीक है। लेकिन हमें एक रियलिस्टिक लेवल पे सोचना चाहिए, और डिप्लोमेसी हर एक चीज का सोल्यूशन है, आज के टाइम पे डिप्लोमेसी के अलावा कुछ भी सोल्यूशन नहीं है। कंपटीशन के नाम पे अगर मैं बोलूं, तो भैया ऑटोमेटिकली मैं तो कभी भी नहीं कहूंगा कि इंडिया कभी भी हारेगा, इंडिया हमेशा जीतेगा यार, इंडिया विल ऑलवेज विन, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या है,
विक्की कुशाल है, क्या है हमारे पास, उरी अटैक कर सकते हैं, तो समझ रहे हो ना, ऑपोजिशन हमारे पास भी भैया तगड़े वाला है, समझ रहे हो, ठीक है, हमारे पास स्ट्रेंथ तो है, लेकिन बस ये है कि हमें ना और चीजों को भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डिप्लोमेसी हमेशा सही रहती है, शांति प्रिय तरीके से देश हमारा क्या कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें एक डेवलप्ड कंट्री बनना है, उसके लिए हमें अपनी मिलिट्री पावर को स्ट्रोंग तो करना है, लेकिन किसी को डराने के लिए, किसी पे अटैक करने के लिए, और इंडिया हमेशा यही करता है, इंडिया हमेशा शांति प्रिय ढंग से सब कुछ करता है, बहुत जबरदस्ती होती है तब इंडिया करता है अटैक, जैसा कि इसमें हुआ था। वी ऑल हैव द एग्जाम्पल, इंडिया कभी भी पीछे नहीं हटता, तो इंडिया ऑलवेज अ विक्ट्री, ठीक है, इंडिया विज ऑलवेज विन, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। जितने बच्चे देख रहे हैं समझो इस चीज को, इंडिया और चाइना के बीच का कॉम्पिटिशन में चाइना मिलिट्री डिफेंस फोर्सेज में आगे है, इंडिया नहीं है इतना आगे, लेकिन फिर भी इंडिया की जो आर्मी है बहुत कॉम्पिटिबल है, ठीक है, बहुत ज्यादा कम्पीट कर सकती है, ठीक है, 1962 समझना बेवकूफी होगी, इंडिया इज मोर देन, ठीक है, 1962 जो 1962 था उसके मुकाबले में तो भैया बहुत आगे, ठीक है, तो समझिएगा इस चीज को। जितने बच्चे देख रहे हैं ऐसी ही वीडियो मैं 6 बजे डेली लेके आता रहता हूं, सुबह 6 बजे आप देख सकते हो, कल भी आपके लिए कुछ नया होगा सुबह 6 बजे एक्सप्लेन फॉर्म में, लिंक आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम चैनल अमन सर वाईफाई स्टडी आपके नीचे भी आ रहा है, ठीक है, इसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, इस टेलीग्राम चैनल को, आपको सारे लिंक सारी पीडीएफ जो है इसी में मिलने वाली है। सेशन आपको अगर पसंद आता है तो सेशन को लाइक करिए, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वाईफाई स्टडी स्टूडियोज को सब्सक्राइब करिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो सुबह 6 बजे दोबारा होगी, नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, सब कुछ ऐसा होगा जो आपको मतलब कुछ सिखाएगा, ठीक है, ओके बाय, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन अगेन।